पंजाब में तबादलों पर तबादले, ब्यूरोक्रेट्स बार बार की तब्दीली से परेशान हो गए, जबकि इंतजामी अमूर भी मुतासर होने लगे। 3 साल बाद भी हुकूमत अपनी टीम ना बना सकी। पंजाब में तैनात होने वाले मौजूदा चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं और राव सरदार अली 6ठे आईजी पुलिस हैं। बार बार के तबादलों से सूबे में गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अजला के एसीज और डीसीज ने भी सामान बांध रखा है कि जाने कब तबादले का नोटिस मिल जाए, जबकि तबादलों की खबरों की वजह से सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरियों ने भी काम छोड़ रखा है। जो भी चीफ सेक्रेटरी आता है वो तबादले करके अपनी नई टीम बनाता है। किसी भी अफसर का तैनाती का दौरानिया पूरा नहीं करवाया जाता। आए रोज के तकरार तबादलों से जहाँ आवाम का नुकसान होता है, वही महकमों की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। एक अफसर जब महकमे के अमूर समझ लेता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। बार बार के तबादलों की वजह से अफसरान कंफ्यूजन का शिकार हैं। हर अफसर सिफारिशें ढूंढने में मसरूफ है और चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला की खुशनूदी के लिए कोशा है, क्योंकि कब किसका तबादला हो जाए किसी को मालूम नहीं। हुकूमत सूबे में गुड गवर्नेंस चाहती है तो अफसरान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने का माहौल फराहम करे। आए रोज के तबादलों से बेहतरी के बजाय अबतरी आती है। कैमरामैन मेराज सईद के साथ कैसर खोखर, सिटी 42।